तो हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम, जय उत्तराखंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी भाई पीलो चाय। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मई का लगभग मई ख़त्म होने वाला है और ये देखो नदी कितनी भयंकर आ रखी है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, आज थोड़ा धूप आ रखी है। तो आपको दिखाता हूँ क्या क्या नुकसान हुआ इस बारिश से। तो आप देख सकते हैं पहाड़ों में बारिश होती है तो कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है, और आज एक नुकसान हुआ है कि हमारे गांव की जो नहर है वो टूट चुकी है, तो जबकि अगले महीने से रुपाई लगने वाली है और नदियां भी शांत हो रही है। पर कल रात बहुत ख़तरनाक आई और अपने साथ नहर को भी बहा के ले गई। आज पानी नीचे है तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पूरी नहर टूट चुकी है, ये देखो आप सारा टूट गया है। और अब रुपाई लगने के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं और नहर धड़ाम, ये देखो यार। और एक जगह और नुकसान हुआ, आपको दिखाता हूँ वहाँ भी कितना नुकसान हुआ। ये आप देख सकते हैं, इसको हमारे यहाँ हिसर बोलते हैं, बहुत ही अच्छा होता है खाने में, मीठा होता है, बचपन में हम इसको बहुत खाते थे। और बचपन में हम इसको जहाँ भी देखते थे इनके पीछे भाग जाते थे, इसके कांटे बहुत भयंकर चुभते हैं। और ये देखिए, बहुत ही मीठे होते हैं खाने में। ओ नदी कल रात बहुत भयंकर आई और कल एक बादल फटने से एक जगह पे मलबा आया, वो भी हमने देखा खुद, तो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए आप, इतना नुकसान हुआ कल रात को, बहुत ख़तरनाक साउंड हुआ, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया, पर तो लोगों ने बताया। देखो ऊपर फटाओ, ऊपर से टूटा और एकदम मलबा आया नीचे खेतों तक, ये देखो यहाँ सारे खेत टूट गए। और पहाड़ों में ये चीज़ आए दिन देखने को मिलती है और हमें इन चीज़ों के साथ रहने की भी आदत पड़ गई है, बचपन से ऐसी घटना देखते रहते हैं। ये देखो आप, तो आप लोग शेयर करें वीडियो को और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ऊपर से पूरा पहाड़ की जो चट्टान है वो पूरी खिसकी और सारा मलबा नीचे आ गया। और अब चलते हैं अपने घर की ओर। ये देखो क्या हाल हो रखे हैं, बहुत ही भयंकर दृश्य है, पूरा रास्ता बंद हो गया, वो भी ऊपर नहर है, ऊपर से टूटा, वो नहर भी टूट चुकी है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए आप पहाड़ का नज़ारा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।